देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स हैज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इक्वल टू बेंजीन, मतलब बेंजीन कंपाउंड का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा उसी के इक्वल बताइए इनमें से कौन कौन से कंपाउंड के डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिंपल समझते हैं बेंजीन को। देखिए बेंजीन क्या होता है, एक सिक्स मेंबर साइकिल होता है और इसमें कंटिन्यू कंजुगेशन होता है, मतलब एक कंजुगेटेड सिस्टम होता है छह मेंबर साइकिल को, इसी को हम बोलते हैं बेंजीन। और इसको सिंपली हम अगर इसके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसे बनाए जाते हैं, और इसके मोलिकुलर फार्मूला की बात करूं तो C6H6 होता है। तो बताइए अगर किसी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला पता हो या मोलिकुलर फार्मूला पता हो तो क्या हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, क्या करते हैं, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला पता है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग प्रेजेंट इन अ कंपाउंड को हम ऐड कर देते हैं, तो वही हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाता है। देखिए बेंजीन रिंग में तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तो टोटल हमारा क्या हो गया, चार, फोर हो गया, मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, फोर होगा। सर नहीं, हम केमिकल फार्मूला मतलब मोलिकुलर फार्मूला से बनाएंगे। लीजिए ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया था, ये मोलिकुलर फार्मूला अगर देखें तो क्या होगा, 1/2 इंटू 2 × 6 प्लस 2 − 6 ट्राइवेलेंट एटम जीरो है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 6 × 12 = 14, 14 में से 6 गया 8, और 8 मतलब इसको काटूंगा तो 4 आ जाएगा। मतलब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारा कितना है बेंजीन का, आप मोलिकुलर फार्मूला से निकालिए या स्ट्रक्चरल फार्मूला से निकालिए, बात तो हमारा सेम आएगा, क्या आएगा, सेम आएगा, और कितना आया, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारा 4 आया। तो चलिए इन कंपाउंड को भी हम देखते हैं, ये कंपाउंड हमारा क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम है, मतलब बेंजीन रिंग है, 6 मेंबर का साइकिल है और कंजुगेटेड सिस्टम है, बेंजीन रिंग है। तो क्या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा दिए तो देखिए इसमें तीन हमारा पाई बॉन्ड हो गया और नंबर ऑफ रिंग एक है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, फोर, और फोर क्या है, इक्विवेलेंट है हमारे बेंजीन के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से। सिमिलर देखो इस कंपाउंड को भी फिर वैसे ही देखो तो ये भी क्या है हमारा, तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, टोटल हमारा चार हुआ, जो कि इक्विवेलेंट है क्या, बेंजीन रिंग के डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से। और इस कंपाउंड को देखो तो इसमें भी एक दो तीन, तीन पाई बॉन्ड है और एक रिंग है, तीन पाई बॉन्ड और एक रिंग, टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, फोर। मतलब जो बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है सेम टू सेम ए बी और सी मोलिकुल का भी क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, तो यही तो पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है,